अगर आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा था तो फिर आप लोगों को जरूर पता होगा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में एक प्रॉमिस किया था। वो प्रॉमिस था एक होम एंड ड्रेस मेकओवर का, जो नेक्स्ट वीडियो में आने वाला था। जी हाँ, हेलो एवरीवन, दिस इज जागृति एंड वेलकम टू माय चैनल क्रियॉन्स एंड स्पाइसेस डेकोरल। आज के वीडियो में आप देखोगे मैंने अपनी होम एंट्रेंस का मेकओवर कैसे किया। इस मेकओवर को करने के लिए मैंने दो पॉइंट्स को बिल्कुल थिंग्स टू रिमेम्बर लिस्ट में रखा था। वो है, फर्स्ट पॉइंट है कि बजट। मुझे इसका बजट बहुत ज्यादा नहीं चाहिए था। आई वॉन्टेड अ वेरी टाइट बजट। मुझे यहाँ पे ज्यादा खर्चा नहीं करना था। आई डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी। सेकेंडली, मुझे चाहिए था कि ये जो मेरा होम का एंट्रेंस हो वो काफी जेन हो, काफी पीसफुल टाइप का कोना हो एंड काफी ज्यादा ग्रीनरी हो कि जो भी आए वो एकदम मूड हो जाए। तो ये दो पॉइंट्स था जो मैंने बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लिया था ये मेकओवर करने पे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे। जितना भी मटेरियल्स मैंने यहाँ पे यूज किया है वो मैंने अमेजोन से लिया है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। सेकेंडली, मैंने यहाँ पे वो चीजें यूज किया है जो मैंने DIY किया था और उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी इस चैनल पे डाल के रखा हुआ है। उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चेक कर सकते हो एज अ रेफरेंस वीडियो। एंड इस वीडियो से अगर आप इंस्पायर होते हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, बिकॉज आई गारंटी यू ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है आगे जा करके। और ज्यादा मैं पटापटा नहीं करूंगी, लेट्स डायरेक्टली गो टू द वीडियो। मेकओवर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ जहाँ पे मैं मेकओवर करने वाले हूँ। ये है मेरा होम एंट्रेंस। यहाँ पे पहले कुछ पौधे रखे हुए थे जिसको मैंने रिसेंटली क्लीन करके, ये जगह पूरा क्लीन करके रखा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आर्टिफिशियल ग्रास लगा रही हूँ। मतलब पहले एक डोरमेट था, उस डोरमेट को भी मैं रिप्लेस करके एक आर्टिफिशियल ग्रास ही लगा रही हूँ। उससे जो एरिया है वो बहुत फ्रेश लुक आता है। प्लस ये मैंने कहीं पे पढ़ा था कि अगर आप ग्रीन कलर का डोरमेट्स यूज़ करते हो तो घर के लिए भी अच्छा होता है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा पता हो तो कमेंट करके बताइएगा कि ये मैंने सही पढ़ा था कि नहीं सही पढ़ा था। हैंगिंग प्लांटर्स के लिए हम लोग को ये चेन्स एक लोकल हार्डवेयर शॉप में मिला। ये जो लेंथ आप देख रहे हो चेन का, वो पर लेंथ पर चेन मुझे 20 रुपीज़ का पड़ा, मतलब टोटल 60 रुपीज़। यहाँ पे जितने भी प्लांट्स हैं वो थोड़ी सी कम सनलाइट में अच्छा सर्वाइव कर जाता है। ये जो रेड कलर का प्लांटर आप देख रहे हो, ये सीमेंट से बनाया हुआ है। ये मैंने घर पे ही खुद से ही बनाया था। अभी ये प्लांट स्टैंड आप देख रहे हो, ये मैंने लास्ट वीडियो में अपलोड किया था। अगर आप लोगों को ही बनाना है तो उस वीडियो को आप रेफरेंस के थ्रू, मतलब आप एज ए रेफरेंस ले सकते हैं। ये फिर से मेरा एक DIY प्लांटर है जो मैंने एक ऑयल कैन को कन्वर्ट करके एक प्लांटर बनाया था। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। अभी मुझे बिल्कुल सेंटर पे एक बुद्धा रखना था और बुद्धा रखने के लिए मुझे एक शेल्फ चाहिए था। ये शेल्फ मुझे अमेजोन से मिला एंड यहाँ पे बस हम लोगों ने एक भैया से ड्रिल करवा लिया था और हम लोगों ने स्क्रू के मदद से नेल्स को हम लोगों ने स्क्रू कर लिया। ये इसलिए किया कि कभी मुझे अगर ज़रूरत पड़े तो मैं इस शेल्फ को उठा के रिप्लेस कर सकूँ। यहाँ पे एक टिप है, जैसे मेरा होम एंट्रेंस है, हम लोग के यहाँ पे बहुत ज़्यादा विंड चलता है, इसलिए मैंने क्या किया है, बुद्धा के जो नीचे एक डबल साइडेड सेलो टेप लगा दिया है ताकि वो हवा से गिर ना जाए। एंड ये फाइनली मेरा मेकओवर हो गया है। ये है द बिफोर ऑफ द मेकओवर। ये है वो वीडियो जो मैंने मेकओवर करने से पहले लिया था।
एंड की मेकओवर करने के बाद। यहाँ पे मैंने जितना भी DIY किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लस जितना भी चीज़ें मैंने Amazon से परचेज किया है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इंस्पायरिंग रहा हो, आपको थोड़ा सा मदद मिला हो इस वीडियो से। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट करना मत भूलिएगा।